सो इससे वैल्यू फॉर मनी बेस मॉडल दोस्तों आपने नहीं देखा होगा, 10.5 लाख रुपए में एक शोरूम ये गाड़ी आपको मिल जाती है और इसमें ऐसे फीचर्स अवेलेबल है जो कि आप बेस मॉडल में सोच भी नहीं सकते होंगे और ऐसे फीचर्स जिसकी शायद आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी वो सब भी यहाँ पे अवेलेबल है। रियर आर्मरेस्ट, इंजन पुश स्टार्ट बटन के साथ स्मार्ट कीलेस एंट्री मिल जाती है, यहाँ पे फ्रंट आर्मरेस्ट मिल जाती है, ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ना जाने कितने ही फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM भी मिल जाते हैं। तो ये है हाइराइडर का बेस ई मॉडल, इसका हम शेयर करने वाले आपके साथ बहुत ही डिटेल्ड वॉक अराउंड। एसेसरीज के बारे में भी बताएंगे कौन कौन सी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं एंड इसी के साथ सर्विस कॉस्ट क्या रहेगी, उसके अलावा ऑन रोड प्राइस क्या है, इस प्राइस में क्रेटा, सेल्टोस और जितने भी राइवल्स हैं उनका क्या ऑन रोड प्राइस है बेस मॉडल का, उसका भी प्राइस कंपैरिजन होगा। तो टीम गार्ड लाइट पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर ले, हम आपके लिए लेकर आते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक जेन्युइन एंड डिटेल वॉक अराउंड रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव एंड कंपैरिजंस। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द फ्रंट लुक ऑफ द कार। सबसे पहले दोस्तों ये जो ब्लैक कलर है इट इज़ लुकिंग सो डैम अमेजिंग। ब्लैक कलर में एंड डुअल टोन व्हाइट कलर में जो हाइराइडर है, डुअल टोन व्हाइट एंड ब्लैक रूफ, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक ऑफर करता है। इवन जो सिल्वर कलर है दैट इज़ ऑल्सो नाइस। सो मेरा जो फेवरेट है दैट इज़ ब्लैक कलर। तो इस मॉडल में आपको 360 कैमरा या फिर रियर पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, आप रियर पार्किंग कैमरा भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, 360 कैमरा जो है वो भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं एंड फ्रंट में पार्किंग सेंसर भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। तीनों की जो कॉस्ट है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसी के साथ दिस इज़ द फ्रंट लुक और यहाँ पे आपको ट्विन डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलती हैं जो कि टर्न इंडिकेटर्स की तरह भी वर्क करेगी। तो अगर ऐसे कर देता हूँ सो यू कैन सी ये टर्न इंडिकेटर्स की तरह भी वर्क करती है। और इसी के साथ इसके ठीक नीचे आपको मेन हेडलैम्प यूनिट मिलेगा। तो यहाँ पे जो हेडलैम्प दिया गया है वो है हेलोजन हेडलैम्प। सो आप देख सकते हैं सो हेलोजन हेडलैम्प है, हाई बीम लो बीम प्रोजेक्टर हेलोजन में दी गई है और यहाँ पे बाद में LED बल्ब जो है वो भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो उसकी कॉस्ट भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश अवेलेबल है, यहाँ पे आपको फ्रंट में स्किड प्लेट मिलेगी जो कि दी गई है ग्लॉसी ग्रे फिनिश के साथ, यहाँ पे क्रोम फिनिश जो ब्लैक कलर है या फिर रेड कलर हो गया, जो भी डार्क कलर्स होते हैं उस पर जो क्रोम है काफ़ी उभर के आता है, काफ़ी अच्छी लुक ऑफर करता है। साथ में यहाँ पे हाइराइडर का जो एम्बलम आता है प्रॉपर तो वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं, उसकी कॉस्ट भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और यह है साइड प्रोफाइल इस SUV की और यहाँ पे दोस्तों आपको 17 इंचेस के व्हील्स भी मिल जाते हैं। पहले आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ द कार काफ़ी बिग साइज़ की एक SUV लुक ऑफर करती है, बिग साइज़ का ग्लास एरिया भी दिया गया, व्हील आर्चर्स क्लैडिंग, साइड बॉडी क्लैडिंग अवेलेबल है, इवन इधर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा यानी कि गाड़ी की चाबी आपके हाथ में, आप ऑटोमेटिकली इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप अंदर जा सकते हैं यानी कि अनलॉक एंड लॉक हो जाएगा डोर। तो यहाँ पे स्मार्ट कीलेस एंट्री इधर भी दी गई है इस साइड भी। इसी के साथ यहाँ पे जो क्रोम विंडो बेल्ट लाइन है वो भी आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं, क्रोम डोर हैंडल भी आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं, टॉप मॉडल में भी आपको क्रोम डोर हैंडल नहीं मिलते। रूफ रेज अवेलेबल नहीं है वो भी बाद में इंस्टॉल हो जाएगी। रियर में एक शार्क फिन एंटेना मिल जाता है, येस इस मॉडल में इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया लेकिन एंटेना अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM दिए गए हैं विद टर्न इंडिकेटर्स एंड इसमें ऑटो फोल्डिंग फंक्शन नहीं दिया गया, लेकिन ऑटो फोल्डिंग फंक्शन जो है वो भी आप बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं, रिले इंस्टॉल हो जाती है 700 की। और दीज आर द व्हील्स, सो 17 इंचेस के स्टील व्हील दिए गए हैं व्हील कवर्स के साथ, ऑल 4 डिस्क ब्रेक अवेलेबल है इस मॉडल में, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ध्यान रखा गया और 17 इंचेस के व्हील्स काफ़ी एड अप कर देते हैं तो ये अच्छी बात है, अभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया। साथ में व्हील्स का साइज आप देख सकते हैं, ये है 215/60 प्रोफाइल टायर R17। सो हर एक वेरिएंट में सेम साइज़ के ही व्हील्स अवेलेबल है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ यहाँ पे बिग साइज का क्वार्टर ग्लास और ये है रियर लुक। अलॉय व्हील्स भी आप बाद में आफ्टर मार्केट 45,000 में इंस्टॉल करा सकते हैं, इसके अलावा कई सारी और भी एसेसरीज आप लगवा सकते हैं जैसे कि रियर में क्रोम आप लगवा सकते हैं, यहाँ पे बूट के पास क्रोम लगवा सकते हैं। तो उन सब की जो कॉस्ट है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। रियर में यहाँ पे डिफॉगर मिल जाता है इस मॉडल में, वाइपर नहीं दिया गया, जो वाइपर है वो भी अलग से इंस्टॉल हो जाता है लेकिन उसके लिए पूरी विंडशील्ड चेंज होगी। तो उसकी जो कॉस्ट है प्लस जो लेबर कॉस्ट है यानी कि जो टोटल कॉस्ट है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सो दिस इज़ द रियर लुक। रियर से हाइराइडर काफ़ी अर्बन काफ़ी अपमार्केट लुक ऑफर करती है। यहाँ पे LED टेल लैम्प मिल जाते हैं जो कि अगेन बहुत ही स्टाइलिश हैं, काफ़ी स्लीक दिए गए हैं। अच्छी बात यह है कि बेस मॉडल में आपको LED टेल लैम्प मिल जाते हैं, अगर नॉर्मल हेलोजन रहते तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। रियर में स्किड प्लेट दी गई है, न्यू ड्राइव की बैजिंग मिल जाती है यानी कि माइल्ड हाइब्रिड ई मॉडल की बैजिंग और यहाँ पे अर्बन क्रूजर हाइराइडर की बैजिंग, लाइसेंस प्लेट की लाइट हेलोजन में है, यहाँ पे अनलॉक एंड लॉक कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया,
और ये है टोटल बूट स्पेस। जो पार्सल शेल्फ है वो अवेलेबल नहीं है, वो भी दोस्तों बाद में इंस्टॉल हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया, 12 वोल्ट के सॉकेट यहाँ पे नहीं दिया गया, 250 में इंस्टॉल हो जाएगा। बूट लैम्प 350 में इंस्टॉल हो जाता है। वहाँ पे एक आपको ग्रॉसरी हुक मिल जाता है और नीचे कुछ स्टोरेज एरिया मिल जाएगा। न्यू ड्राइव है तो यहीं पे स्पेयर टायर दिया गया। सो ये है स्पेयर टायर फुल साइज़ का, 215/60 R17, काफ़ी अच्छी बात है, फुल साइज़ का स्पेयर टायर है। तो हम यहाँ पे 80 की स्पीड तक, ऐसा नहीं कि हमें लिमिट रख के चलाना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से आराम से जितनी स्पीड पे चलाना चाहे चला सकते हैं। और यहाँ पे रिक्लाइनेबल सीट्स दी गई है, तो ये है नॉन रिक्लाइन, ये है रिक्लाइन, फ़र्क आप देख सकते हैं। और इसे अब रिक्लाइन कर लेते हैं। चाइल्ड आइसोविक्स माउंट्स अवेलेबल हैं, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट रियर में दी गई है, तो काफ़ी कुछ खास यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं। सेंटर में भी प्रॉपर सीट बेल्ट है, कुछ इतना स्पेस मिलेगा सीट डाउन कर देंगे तो, बहुत ही मैसिव स्पेस दिया गया है दोस्तों। और अब अगेन आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल। और अब बात करते हैं वारंटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3 years 1 lakh kilometers की वारंटी मिल जाएगी विद रोड साइड असिस्टेंस, और इसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 5 years 2 lakh 20,000 kilometers तक। तो आपको ग्रैंड विटारा में जो वारंटी मिलती है दैट इज़ 2 years 40,000 kilometer, उसके मुकाबले यहाँ पे वारंटी काफ़ी अच्छी दी गई है। इंजन ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल बेस मॉडल में आपको नहीं मिलता, ना ही कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ पे 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया माइल्ड हाइब्रिड के साथ, जिसकी अगेन माइलेज काफ़ी अच्छी है। ये है इंजन, साउंड एंडिंग मटेरियल काफ़ी अच्छे यूज़ करे गए हैं, बहुत ही बढ़िया यूज़ करे गए हैं, फायरवॉल पे मिल जाते हैं। नीचे अंडरबॉडी आप देखेंगे तो पूरा इंजन गार्ड दिया गया, इवन सेंटर में वो एल्युमिनियम लाइक जो मटेरियल आप देख रहे हैं तो ये हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको इंजन में मिल जाता है तो इंजन भी काफ़ी कूल रहेगा उससे। तो अंडरबॉडी इंजन गार्ड का काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है, जो रैट कैट पिजन वगैरह हैं वो जल्दी इजीली अंदर एंटर नहीं कर पाते, वायर इजीली डैमेज नहीं कर पाते, तो वो आपको एक छोटा सा फ़ायदा मिल जाता है उसका। और इसी के साथ दोस्तों जो ऑन रोड प्राइस है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर इस मॉडल का। इसी के साथ जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और बहुत सारी अदर डिटेल जो कि आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर करी इन द टॉप मॉडल वॉक अराउंड, जिसमें हमने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करा है हर एक कार के साथ, तो आप वो चेक कर सकते हैं। देन इसकी एक अलग से एसेसरी वाली वीडियो भी पोस्ट होगी जिसमें बहुत ही डिटेल में एसेसरीज के बारे में हमने बात करें, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। मीनवाइल बात करते हैं इधर स्पेसिफिकेशंस के बारे में और सेफ्टी फीचर्स के बारे में, फिर हम चलेंगे इंटीरियर्स। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, 2 एयरबैग्स, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्रीटेंशन एंड लोड लिमिटर, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, और इवन यहाँ पे हिल स्टार्ट असिस्ट अवेलेबल है। इसी के साथ इंजन इमोबिलाइजर, साइड इंपैक्ट बीम एंड रियर चाइल्ड लॉक। और ये है हाईराइडर के हर एक मॉडल का कंप्लीट ऑन रोड प्राइस, ऑन रोड डेली प्राइस है ये। साथ में ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन की बात करें तो वो आप देख सकते हैं हाईराइडर के बेस मॉडल में और कौन कौन सी कार्स अवेलेबल है, उनके कौन कौन से आपको एग्जैक्ट मॉडल मिल जाते हैं दोस्तों, तो सभी का बेस मॉडल का प्राइस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो अब चेक करते हैं इंटीरियर्स एंड कुछ ऐसी यहाँ पे आपको की मिल जाती है लॉक एंड अनलॉक बटन के साथ, स्मार्ट की, कार को लॉक करेंगे एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे तो अनलॉक, तो स्मार्ट की वैसे एंट्री दी गई है। की इसको यहाँ पे रख देते हैं आराम से एंड क्लच प्रेस। और ये है डैशबोर्ड की लुक, जो इंटीरियर्स हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आपको इंटीरियर्स दिए गए हैं, काफ़ी प्रीमियम मिल जाते हैं। देन ये है फ्रंट सीट्स, फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री अवेलेबल है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। जो अपर शोल्डर सपोर्ट है वो काफ़ी कमाल का दिया गया, क्रेटा से बेटर मिलता है, कंपैरिजन हमने कर रखा है फुल। यहाँ पे आप लेदर सीट्स भी इंस्टॉल करवा सकते हैं चाहें तो बाद में। एंड बेस मॉडल से आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है, टॉप मॉडल में भी मैनुअल एडजस्टमेंट ही दी गई है, इलेक्ट्रिक नहीं मिलेगी। और इसी के साथ यहाँ पे क्लच फुटरेस्ट, यहाँ पे यहाँ से हम बूट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं, हेडलैम्प लेवलर, पुश स्टार्ट बटन क्रोम फिनिश के साथ, और अगेन डैशबोर्ड। और दोस्तों यहाँ पे आपको फ्रंट फुटवेल जो मिलती है वहाँ पे एल्यूमिनेशन नहीं दी गई, आप चाहें तो फ्रंट में एंड रियर में दोनों जगह एल्यूमिनेशन करवा सकते हैं, यानी कि फुटवेल एल्यूमिनेशन, साथ में एम्बिएंट लाइट भी कंप्लीट अंदर इंस्टॉल हो जाती है जो कि कंपनी फिट से ज़्यादा जगह पे इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पे भी कंप्लीट आप एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल करवा सकते हैं, जैसे कि BMW में या फिर लग्जरी कार्स में इंस्टॉल रहती है, तो वो सब आप करवा सकते हैं 3000 में। इसके नीचे भी लाइट इंस्टॉल हो जाती है तो वो भी आप 3000 के अंदर करवा सकते हैं एंड लेबर कॉस्ट के साथ अराउंड 3900 में इंस्टॉल हो जाएगी। और साथ में इसके नीचे भी आप पेडल लैम्प इंस्टॉल करवा सकते हैं दोस्तों।
और अब चेक करते हैं अदर फीचर्स, इसको क्लोज कर देते हैं। उससे पहले गाइज यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं इस मॉडल में, और ट्विटर्स नहीं दिए गए तो ट्विटर्स आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट रहेगी 1500 फ्रॉम द शोरूम एंड। इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पे क्रोम फिनिश का दिया गया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM कंट्रोल्स, पावर डोर लॉक स्विच, ऑटो अप डाउन पावर विंडो भी आपको मिलती है, जो कि काफ़ी कमाल का फीचर है। तो जितने भी कमाल के फीचर्स हैं या फिर उनका यूज़फुल फीचर है जो हमारे बहुत ही काम के आने हैं, वो यहाँ पे सारे दिए गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। साथ में बॉटल होल्डर अवेलेबल है, डोर पॉकेट, यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स हैं सिर्फ ड्राइवर साइड पावर विंडो स्विच मिलता है एल्यूमिनेटेड यानी कि बैकलाइट के साथ, बाकी नहीं दिए गए। और यहाँ पे कुशन फिनिश कम्फर्टेबल है, तो काफ़ी कम्फर्टेबल फिनिश मिल जाती है। और आप चाहें दोस्तों तो यहाँ पे भी बाद में फैब्रिक की जगह कंप्लीट इधर लेदर करवा सकते हैं, इधर लेदर इंस्टॉल करवा सकते हैं, कंप्लीट डैशबोर्ड पे लेदर करवा सकते हैं, वो भी डिफरेंट कलर का, जैसे ब्लैक है तो यहाँ बेज करवा सकते हैं, रेड करवा सकते हैं, ब्राउन करवा सकते हैं। उसकी जो कॉस्ट है वो हमने डिफरेंट वीडियो में शेयर करी है, वो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड यहाँ पे भी कंप्लीट जैसे वुडन फिनिश है, पियानो ब्लैक फिनिश, तो डिफरेंट पैक इंस्टॉल हो जाते हैं जिसपे यहाँ पे फिनिश मिलेगी, यहाँ पे एसी वेंट के पास और सेंटर कंसोल में फिनिश मिल जाएगी, सो वो सब हम करवा सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल गियर नॉब अवेलेबल है, आप यहाँ पे जो पियानो ब्लैक फिनिश वाली टॉप मॉडल की तरह जो लेदर आप गियर नॉब होती है वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं 1500 में। और अब लगाते हैं रिवर्स गियर, सो जो रियर सेंसर्स का डिस्प्ले वो यहाँ पे मिलेगा प्रॉपर, तो वो काफ़ी अच्छी बात है, कैमरा बाद में इंस्टॉल करवाएंगे तो उसका डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, तो किसी को लगेगा ही नहीं ये बेस मॉडल है। स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट, कुशन आर्मरेस्ट दी गई है, आराम से आप यहाँ पे हाथ रख के गियर शिफ्ट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और स्टोरेज एरिया यहाँ पे ठीक ठाक आपको मिल जाता है, साथ यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स दिए गए हैं, कीज़ रखने के लिए स्पेस है, और ये है इन्वॉल्व की स्प्लैश परफ्यूम्स की जो फ्रेगनेंस है बहुत ही एक्वा फ्रेगनेंस है, जैसे वाटरी फ्रेगनेंस होती है वैसे है, फ्रेशिंग फ्रेगनेंस मिलती है, जैसे आपका मूड थोड़ा सा खराब साहब गाड़ी में बैठ रहे हैं, इट विल इंस्टेंटली रिफ्रेश यू। मेड इन इंडिया परफ्यूम है, लीक प्रूफ है, यहाँ से आप फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यूज कूपन कोड टीम कार डिलाइट टू गेट 10% ऑफ अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स ऑन इन्वॉल्व वेबसाइट, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड दिस इज द गियर नॉब, यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस मिल जाता है, वायरलेस चार्जर आप इंस्टॉल करवा सकते हैं शोरूम एंड से भी और बाहर से भी, दोनों की कॉस्ट देख सकते हैं स्क्रीन पे। 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे भी को 12 वोल्ट का सॉकेट आप इंस्टॉल करवा सकते हैं अगेन 250 में। और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, तो इससे कार जब स्टैंड स्टिल पे आएगी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, माइलेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम दिया गया, और एसी की जो वर्किंग है वो काफ़ी कमाल की है दोस्तों। और इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट या फिर शोरूम एंड से, तो 20,000 में आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हो जाएगा, 15,000 to 20,000 में, तो वहाँ पे आपको पूरा एंड्रॉइड सिस्टम मिल जाएगा। इसकी वीडियो काफ़ी सारे चैनल पे पोस्टेड है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। साथ में वो जो सिस्टम है वो सपोर्ट करेगा आपका एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, और वहाँ पे सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे। इवन अगर आपके घर में ऑफिस में कैमरा लगा तो उसका डिस्प्ले आप यहाँ पे ले सकते हैं, जीमेल आपको मिल जाएगा, रियर कैमरा का डिस्प्ले, गूगल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सब कुछ आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, तो वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। और यहाँ पे सिस्टम आप इंस्टॉल करा रहे हैं तो 2GB रैम वाला ही इंस्टॉल करवाएं। देन यहाँ पे ग्लव बॉक्स अवेलेबल है, ग्लव बॉक्स में अंदर इस मॉडल में लाइट नहीं दी गई, बाकी जो अपर वाले वेरिएंट्स हैं वहाँ पे आपको एक लैम्प मिल जाता है, बट लैम्प की ऐसा नीड भी नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे वैनिटी मिरर, फिट एंड फिनिश क्वालिटी आप देख सकते हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज इधर नहीं करा गया सच। फ्रंट में हेलोजन लैम्प, LED बल्ब यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है, अच्छी क्वालिटी का 300 का, लो क्वालिटी का आप इंस्टॉल करवाएंगे तो वायरिंग डैमेज करेगा। यहाँ पे डे एंड नाइट IRVM, यहाँ पे देखेंगे तो अगेन आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, और ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक। टेल एडजस्टमेंट, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दोस्तों दोनों ही दी गई है, सो और क्या फीचर्स आप एक्सपेक्ट करोगे एक बेस मॉडल से, इतने कमाल के फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेदर आप बाद में करवा सकते हैं यहाँ पे 2500 से 3000 में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नापा लेदर इंस्टॉल हो जाता है, स्टीयरिंग व्हील पूरा निकाल के तो वो इंस्टॉल हो जाता है। देन यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स आपको नहीं मिलते, वॉइस कमांड कंट्रोल्स, बट ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए, जो वाले कंट्रोल्स है उसके लिए पूरा जो सिस्टम है वो चेंज होता है, तो वो भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। और यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो सेंटर में MID स्क्रीन दी गई है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डुअल ट्रिप मीटर अवेलेबल है, साथ में इंजन रनिंग टाइम, एवरेज स्पीड, ड्राइविंग टाइम, आइडल स्टॉप टाइम, और यहाँ पे क्लॉक, डेट, मोशन सेंसर, और
यहाँ पे पावर एंड टॉक फिगर्स डिस्प्ले होती है, एक्सेलरेशन, ब्रेक, कितनी हार्ड हमने प्रेस करी, यहाँ पे बैटरी कितनी चार्ज्ड है, मोटर, ऑल दैट। सो यहाँ पे दोस्तों जितने भी मच रिक्वायर्ड फीचर्स हैं उससे कहीं ज़्यादा ही अवेलेबल है, तो आप बेस मॉडल लेके आप मोर देन सेटिस्फाइड रहेंगे। और बोनेट ओपन होता है, डोर ओपन होता है, टेल गेट ओपन होता है, एग्जैक्ट आपका भी पता चलेगा। वहाँ पे सोलर सेंसर दिया गया ऑटोमेटिक एसी के लिए। और अगेन डैशबोर्ड, और ये है रियर डोर की लुक। तो स्पीकर, बॉटल होल्डर दिया गया, पावर विंडो कंट्रोल्स, कुशन यहाँ पे भी मिलेगा। और ये है रियर सीट, तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, यहाँ पे सेंटर में एक आर्म रेस्ट अवेलेबल है। अगेन बहुत ही कमाल का फीचर बेस मॉडल के हिसाब से। ट्विन कप होल्डर्स दिए गए हैं, आर्म रेस्ट आप यूज़ नहीं करना चाहते, इसको बंद करके यहाँ पे आप इसको हुक में फंसा सकते हैं आराम से। चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स रियर में, और फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट मिल जाती है। रियर एसी वेंट दिया गया दोस्तों, रियर में कोई यूएसबी चार्जर अवेलेबल नहीं है, ना ही 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। मोबाइल पॉकेट दिया गया, यूएसबी चार्जर यहाँ पे आप 500 में इंस्टॉल करवा सकते हैं, जो कि बेटर रहेगा कि आप 12 वोल्ट का सॉकेट ही इंस्टॉल करवा लें। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, साथ में एक लैम्प भी दिया गया दोस्तों। तो यहाँ पे ये लैम्प के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे कि सेंटर में एक लैम्प दे देते, पीछे ना देते, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं करा गया। यहाँ पे कोट हैंगर नहीं मिलता, लेकिन ग्रैब हैंडल दिया गया। तो कमाल के फीचर्स दोस्तों दिए गए हैं, एडजस्टेबल सीट बेल्ट। तो मैं तो काफ़ी इंप्रेस हो गया इस बेस मॉडल से। तो ये है डैशबोर्ड की लुक। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मेरे से 1-to-1 बात कर सकते हैं फ़ोन पर। लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करें। SSTs के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिए गए हैं।